आध्यात्म से शासन तक, और यूं कहें कि सत्ता को संन्यास से जोड़कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। 6 महीने की सरकार, लेकिन अभी से कई उपलब्धियां और उसके साथ साथ कई चुनौतियां भी। बात करने के लिए न्यूज़ नेशन पर हमारे साथ मौजूद हैं मुख्यमंत्री जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पर आपका। 6 महीने का आपका शासनकाल हो चुका, विकास एक ऐसा बड़ा एजेंडा जिसको लेकर आप आगे चल रहे हैं, आपने श्वेत पत्र भी जारी किया, आपने बताया किस तरह से आपकी सरकार जनता के लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन आपके विरोधी जो हैं वो अभी से ही आलोचना के एक मूड में आ चुके हैं, ऐसा क्यों होता दिख रहा है आपको? देखिए, 6 महीने का कार्यकाल है, किसी भी सरकार का बहुत बड़ा कार्यकाल नहीं होता है, और इसीलिए जहां ये पहली सरकार है जी, जो जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को दोहराते हुए अपने कार्यक्रमों को और अपने द्वारा किए गए कार्यों को जनता के सामने रख रही है, हमने 100 दिन का हिसाब भी जनता के सामने रखा जी, हमने 6 महीने का भी रखा है, और हम लोगों ने 1 साल के कार्यों को भी ब्यौरा जनता को देने का निर्णय लिया है। लेकिन 100 दिन का कार्य हम लोगों का जब पूरा हुआ था, उससे पहले ही विपक्ष के द्वारा तमाम प्रकार की आलोचनाएं करनी प्रारंभ हो गई थी, और मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि ये स्थिति तो ये है कि जिन लोगों ने प्रदेश में सबसे लंबे समय तक शासन किया है जी, जो लोग 15 वर्षों तक प्रदेश को लूटते रहे, नूसते रहे, जिन्होंने प्रदेश की संस्थाओं को पूरी तरह नष्ट किया है, भ्रष्ट किया है, वे लोग आज सर्टिफिकेट हम लोगों को देने की बात कर रहे हैं। तो ये आवश्यक था कि कम से कम पिछले 12-15 वर्षों की कार्यप्रणाली पर एक श्वेत पत्र जारी हो जाए, और इसलिए मैंने अपने मंत्रिपरिषद के सहयोगियों के साथ 18 सितंबर को पिछली सरकारों की कार्यप्रणाली पर एक श्वेत पत्र जारी किया, और फिर उसके अगले दिन 6 माह का कार्य पूरा होने के साथ हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 6 महीने के दौरान क्या कुछ हुआ है इस पर हम लोगों ने अपना एक उपलब्धियों का भी कार्ड जारी किया है जी, और उपलब्धियों से जुड़ी हुई पुस्तिका भी आज जो है पब्लिक के सामने है, और हम उस पर पूरी तरह चर्चा करने को तैयार हैं। आपकी सरकार का लक्ष्य विकास रहा, और ये बात स्थापित होती दिख भी रही है, बदलाव उत्तर प्रदेश में दिखाई भी दे रहा है। अगर आप क्राइम की बात करें, रोज़गार की बात करें, कृषि क्षेत्र की बात करें, हर जगह कम से कम कुछ हलचल तो है, एक प्रगति दिख रही है। आप इन प्रगतियों को किस नज़रिए से देखते हैं, और आपके लिए इसमें महत्वपूर्ण क्या है? देखिए, मेरे सामने 19 मार्च को सत्ता प्राप्त करने के साथ ही चुनौतियों का एक बड़ा पहाड़ जी, लेकिन मेरे सामने संतोष इस बात का था, मेरे सामने आशा की किरण इस रूप में थी कि केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार का विकास के प्रति और प्रदेश के प्रति एक सकारात्मक रवैया, दूसरा केंद्र सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो मार्गदर्शन समय समय पर इस दौरान हम लोगों को मिला है, तो मुझे ये चुनौतियाँ नहीं लगी, और हम लोगों ने बहुत बखूबी उन सब से बहुत आसानी के साथ हम उससे निपटे हैं और उसका समाधान निकाले हैं। आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि प्रदेश के अंदर एक निवेश फ्रेंडली माहौल बने, ये हमारी शीर्ष प्राथमिकता थी, क्योंकि प्रदेश के अंदर पलायन एक बड़ी समस्या है, प्रदेश के अंदर रोजगार और नौकरियों की संभावनाएँ विकसित हों इसके लिए प्रदेश के अंदर निवेश होना बहुत आवश्यक था, और निवेश के लिए कानून का राज जी, हमें विरासत में एक जंगल राज मिला था, राजनीतिक संरक्षण में जहां अपराध फलता फूलता था, जहां पर निवेश के लिए औद्योगिकीकरण के लिए निवेश नहीं हुआ है, लेकिन जहां अपराध का औद्योगिकीकरण पिछली सरकारों ने किया था, तो प्रदेश की राजनीति को परिवारवाद और जातिवाद से उभार करके प्रदेश के अंदर एक नया माहौल पैदा हो, प्रदेश की राजनीति किसान केंद्रित हो, प्रदेश की राजनीति युवा केंद्रित हो,
प्रदेश की राजनीति विकास को लेकर के हो, इस दिशा में हम लोगों ने अपने प्रयास प्रारंभ किए हैं। और इसीलिए किसान फसली ऋण मोचन के माध्यम से हो, गेहूं क्रय का रिकॉर्ड यानी पिछली सरकारों ने 5-7 वर्षों में जितना नहीं क्रय किया था, अकेले एक वर्ष में एक बार में ही हम लोगों ने उतना गेहूं का क्रय किसानों से सीधे किया, पैसे का भुगतान उनके खातों में किया, प्रति क्विंटल 10 रुपये अतिरिक्त हम लोगों ने दिया जी। हम लोग धान के लिए भी इसी प्रकार की रणनीति बना रहे हैं। इसी प्रकार से गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान, पहली बार है कि नया सीजन प्रारंभ होने के पहले हम किसानों के 100% गन्ना मूल्य का भुगतान कर चुके होंगे। किसानों के लिए 1994 में नए ट्यूबवेल के कनेक्शन देने बंद हो गए थे प्रदेश के अंदर, पहली बार हो रहा है जब टेल तक पानी पहुंच रहा है नहरों में, और साथ साथ किसानों को हम लोगों ने ट्यूबवेल के कनेक्शन भी उनके लिए जारी करने शुरू कर दिए हैं। ये प्रक्रिया हम लोगों ने किसान केंद्रित राजनीति इस दिशा में एक प्रारंभ हुई है, किसानों के अंदर एक नया विश्वास जागृत हुआ है। 10,000 से अधिक सोलर पंप हम लोगों ने किसानों को उपलब्ध करवाए हैं, और यही नहीं लगभग 3,000 के आसपास हम लोगों ने तालाब भी खुदवाए हैं बुंदेलखंड और डार्क जोन से संबंधित जो भी प्रदेश के ऐसे ब्लॉक थे वहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ें पैदा की हैं। युवाओं के लिए भी हम लोगों ने रोजगार की संभावनाओं के लिए कौशल विकास के क्षेत्र में नया कार्य प्रारंभ किया है, और कौशल विकास के लिए अब तक हम लोग प्रदेश के अंदर लगभग 6 लाख से ऊपर नौजवानों को कौशल विकास में प्रशिक्षित करके रोजगार के साथ जोड़ने की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़े हैं। हमारा लक्ष्य है कि इस साल तक हम 10 लाख का लक्ष्य पूरा करें। पिछली सरकार आवास योजना का मात्र 10,000 आवास भी नहीं बना पाई थी, अब तक हम लोग 8 लाख से ऊपर लोगों को आवास की पहली किस्त जारी कर चुके हैं ग्रामीण क्षेत्र में। हम लोगों का लक्ष्य है कि हम इस वर्ष 10 लाख आवास उपलब्ध करवाएंगे ग्रामीण क्षेत्र में, और शहरी क्षेत्र में हम लोग इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अब तक 1,09,000 से ऊपर आवास के लिए पहली किस्त जारी कर चुके हैं, और इस प्रक्रिया को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आपकी विकास की योजनाएं और उनके जो कार्यान्वयन में जो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं वो जग जाहिर हैं। अब ऐसे में एक सवाल है जो कि अखिलेश यादव जी आपकी सरकार पर उठा रहे हैं, वो कहते हैं कि आपकी सरकार, जैसे कानून व्यवस्था की बात आपने की तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ और आगे कई सवाल और भी हैं, कि आपकी सरकार दरअसल अब तक 56 की सरकार है, आप इनकाउंटर स्पेशलिस्ट सरकार चला रहे हैं, 421 इनकाउंटर अभी तक हो चुके हैं और पिछले 48 दिन में 15 इनकाउंटर, क्या ये आरोप आपको सत्य लगते हैं? देखिए, ये अपराधियों के आकाश समाजवादी पार्टी के ही नेता हैं, इन अपराधियों ने प्रदेश के माहौल को ख़राब किया है जी। इन माफियाओं ने, इन अपराधियों ने प्रदेश में इलीगल माइनिंग की है, इलीगल स्लॉटरिंग लोग करते थे, यहाँ पर गरीबों की ज़मीनों पर, व्यापारियों की संपत्तियों पर जबरन कब्जा कर देते थे, और इतने बेखौफ थे कि पुलिस पे भी गोली चलाने में इनको कोई संकोच नहीं है। जो लोग पुलिस की वर्दी से भयभीत न होते हों, जो अपराधी, उनके दुस्साहस को समझा जा सकता है, और इसीलिए प्रदेश के अंदर जो आवश्यक समझा है प्रदेश की पुलिस कर रही है, उसका हौसला बढ़ा है, वह कार्य करना प्रारंभ की है। और मुझे लगता है कि स्वाभाविक रूप से अखिलेश यादव और इन अपराधियों के जो आका हैं उनको तो इससे नाराज़गी होनी स्वाभाविक है जी। क्योंकि तो उनका उद्योग है, ये जितने भी काले कारनामे होते हैं तो इससे इन लोगों की राजनीति फलती फूलती है, लेकिन हम प्रदेश को इस अराजकता की ओर नहीं जाने देंगे। ये हमारा प्राथमिकता में प्रदेश के अंदर निवेश फ्रेंडली माहौल बनाना है तो कानून का राज होगा, जो कानून को मानेगा कानून उसको संरक्षण देगा, जो कानून को उंगली दिखाएगा फिर कानून तय करेगा कि इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी है, और उस आधार पर कार्रवाई हो रही है जी। अब तक मेरा अनुमान है 450 से ऊपर इनकाउंटर हो चुके हैं जी। 20 से ज़्यादा दुर्दांत अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं, हमारे भी लगभग 90 के आसपास पुलिस के जवान और पुलिस के अधिकारी घायल हुए हैं, उसमें हमारा एक सब इंस्पेक्टर शहीद भी हुआ है, लेकिन ये कार्रवाई हमारी चल रही है, और प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश की 22 करोड़ जनता के हित के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे प्रदेश सरकार उठाने में हिचकेगी नहीं। दरअसल इनकाउंटर शब्द को लेकर ही लोग खेल करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें एक शब्द आपकी तरफ से जोड़ दिया जाता है कि अगर कोई ना माने तो उसे ठोक दो, क्या इस तरह की भावना आपकी? देखिए, जो लोग पुलिस पे गोली सरेआम चला रहे हैं,
निर्दोष व्यापारियों का अपहरण कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि प्यार की भाषा वे लोग तो नहीं समझते हैं, कानून पे उनका विश्वास नहीं है। अगर वो पुलिस पे गोली चला रहे हैं तो पुलिस को उनका जवाब देने में संकोच नहीं करना चाहिए। अगर सरेआम किसी बालिका की इज्जत के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं तो फिर उनका जवाब उसी भाषा में दिया जाना चाहिए जो उसको समझेंगे। अगर किसी बालक का अपहरण करते हैं या किसी व्यापारी का अपहरण करते हैं तो जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में उनको समझाओ। इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी सरकार ने एक बहुत बड़ा आर्थिक पैकेज किसानों के लिए जारी किया। 36,000 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं है, और सबसे बड़ी बात है आपकी सरकार ने इसके लिए आम नागरिकों पर कोई कर का बोझ नहीं दिया। नहीं, इसके बावजूद जो वितरण हुआ उसे लेकर विपक्ष ने आपकी सरकार को घेरने की बड़ी कोशिश की। पर देखिए, विपक्ष का कोई मुद्दा ही नहीं है ना। देखिए, विपक्ष बेरोजगार है तो उनको कुछ तो बोलना है। पहले चरण में 13 लाख से ऊपर, देखिए हम लोग जो ऋण मोचन की कार्रवाई हो रही है आधार से अकाउंट को लिंक करके उस आधार पर इस कार्रवाई को संपन्न किया जा रहा है, जिससे किसी प्रकार की धांधली नहीं होगी जी। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद देखिए, पहली बार है वर्षों के बाद, सन 2002 में अंतिम बार किसानों के उपज को क्रय किया था सरकार ने और उनको समय पे चेक का भुगतान हुआ था। 2002 से नहीं हुआ, 15 वर्षों में सरकार की उपेक्षा, यानी समर्थन मूल्य भी से भी 200, 250, 300 रुपये कम किसान को मिलता था, और वह भी मनमानापन। गन्ना किसानों का वर्षों का मूल्य भुगतान, गन्ना मूल्य का भुगतान बाकी रह जाता था, समय पे नहीं मिल पाता था किसान को, पर्ची के लिए परेशान होना पड़ता था। तो वर्षों से बिगड़ी एक व्यवस्था, सरकार की उपेक्षा जी, साथ साथ उस उपेक्षा के साथ साथ प्राकृतिक आपदा, कहते कभी अतिवृष्टि है, कभी अनावृष्टि है, कभी ओला है, कभी तूफान है, ये सब चीज़ों के कारण किसान काफ़ी तबाह हो गया था। उस विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी मुझे तो अच्छा लगता है कि जब मुझे देखने को मिलता है कि बहुत सारे किसानों ने अपना कर्जा का भुगतान कर दिया है। पहले चरण में हम लोगों ने 13 लाख किसानों को कर्जा माफ़ किया है, और 13 लाख में 4,000 किसान ऐसे थे जिनका कर्जा 10,000 से कम था। मैंने अधिकारियों से कहा है उन किसानों को अतिरिक्त सम्मान दीजिए। विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी उसने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है कि बैंक से कर्जा लिया लेकिन चुकाया भी उसने, हमारे लिए सम्माननीय है जी। लेकिन उन किसानों की समस्या को भी हमें देखना होगा। किसानों की आय को दोगुना करना है तो उसको पिछले कर्जे से मुक्ति दे करके आज से उसकी स्पीड को हमें तैयार करना पड़ेगा जी। हम आज प्रदेश में चीनी मिलों को भी चलाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार अपने स्तर पर 2 नई चीनी मिलें स्थापित कर रही है, एक का एक्सपेंशन करने जा रही है और 2 अन्य चीनी मिलों के भी जीर्णोद्धार की कार्रवाई को उन्होंने एक इस वर्ष लिया है, ये कार्य हमारा प्रारंभ हुआ है। गन्ना मूल्य का भुगतान लगभग हम पूरा कर चुके हैं जी। शेष डेयरी के लिए भी हमारा प्रयास होगा कि मार्च तक हम प्रदेश के अंदर लगभग 10 डेयरियों को तैयार कर सकेंगे जो चल सकें, और आने वाले समय में हमारा प्रयास होगा कि प्रदेश के अंदर हर कमिश्नरी मुख्यालय पे एक डेयरी 3 लाख से 5 लाख लीटर दूध ले सकने की क्षमता, उससे जुड़ी हुई दुग्ध समितियों के माध्यम से उस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। ये कार्रवाई हमारी चल रही है, तो स्वाभाविक रूप से जब कार्य कहीं होगा तो जो लोग इस विकास के विरोधी थे तो उनके पेट में दर्द तो होना स्वाभाविक है। योगी जी, इसी से जुड़ा एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मथुरा में जब बीजेपी अध्यक्ष मौजूद थे उस वक्त आपके मंत्रिमंडल के मंत्री श्रीकांत जी थे, और उनसे कुछ पत्रकारों ने सवाल पूछा कि कुछ किसानों को 8 पैसे 20 पैसे 10 रुपये, तो उन्होंने एक जवाब दिया कि हो सकता है कुछ तकनीकी दिक्कत भी हो सकती है, हम इसमें देखेंगे। इस बयान को बहुत ज़बरदस्त तरीके से उछाला गया कि सरकार चलती है या ये बस तकनीकी दिक्कत है, ये क्या होता है? देखिए, मैंने कहा ना जी कि ये चीज़ें इसलिए, हमारे पास जो 86 लाख के आंकड़े आए हैं बैंकों ने दिए हैं,
हमने बैंकों से सभी बैंकर्स की बैठक लेकर के स्टेट लेवल बैंकर्स की कमेटी की चली थी, उसकी बैठक लेकर के उनसे कहा गया था भाई आपके यहाँ 31 मार्च 2016 तक किसने कितने किसानों के कर्जा माफ कि कितने किसान आपके पास आपसे कर्जा लिए हैं। उन्होंने हमें जो आंकड़े दिए उसमें 86 लाख के आंकड़े दिए। कितनी राशि हो सकती है? 36,000 करोड़ की राशि सामने आई। अब जिस किसान ने कर्जा लिया है तो आंकड़े आ रहे हैं, और अगर किसान उसको चुकता भी उससे पहले कर चुका है, 31 मार्च 16 के पहले कर चुका है, तो स्वाभाविक रूप से मैंने कहा ना हम उस किसान को सम्मानित करेंगे। बिल्कुल हमारे लिए सम्मानीय है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी उसने अपनी जवाबदेही का परिचय दिया, बैंक की राशि को वापस बैंक को कर दिया, क्योंकि उस समय कर्जा माफी की कोई बात तो थी नहीं। बिल्कुल इसलिए उसने किया, वो हमारे लिए सम्माननीय है। लेकिन ये मान करके चलिए कि 12,96,000 किसान वह भी है जिसका 10,000 से लेके 1,00,000 तक का कर्जा माफ हुआ है, आप उसकी चर्चा क्यों नहीं करते? आपको एक किसान लगता है जिसका 1 रुपया माफ हुआ है, लेकिन उसके आसपास गांव में बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जिनका 1,00,000 रुपया माफ हुआ है, वो भी दिखाया जाना चाहिए। ऐसे ही मैं आपके वो जो जब आपने सत्ता संभाली आपने कहा था कि 100 दिन के भीतर सभी सड़कों के गड्ढे भरे जाएंगे, जो हम लोगों ने वस्तुतः होते हुए देखा, खास करके उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर, और हम टेलीविजन चैनल तो नोएडा में है तो हमें देखने को मिलता भी है, उसे लेकर भी आलोचना की कोशिश की गई। आपके विकास और प्रगति के तमाम योजनाओं को लेकर आलोचना हुई, आपने परिवारवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई, जहाँ तक कि राहुल गांधी ने अमेरिका में बयान दिया और यहाँ अखिलेश यादव जी ने उसे लपक लिया। तो ये परिवारवाद, अपराध और राजनीति, इसका ये संयम क्या है और इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए राजनीति में अगर अपनी योग्यता और अपनी क्षमता से जी कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो मुझे लगता है कि उसको परिवारवाद के दायरे में नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन कोई पद किसी परिवार के लिए आरक्षित न हो जी। मैं कहता हूं कांग्रेस ये तय है ना कि सोनिया गांधी जी के बाद राहुल गांधी को अध्यक्ष लोग बनाएंगे। क्या पूरी कांग्रेस में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जो योग्य है? राहुल से योग्य बहुत सारे लोग होंगे जी। क्या समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव से ज़्यादा योग्य कोई व्यक्ति नहीं था क्या कि वो मुख्यमंत्री बन सकता था? बहुत सारे लोग रहे होंगे। खैर अखिलेश यादव को ने वो अवसर नहीं दिया कि वो अध्यक्ष बने, उन्होंने अपने पिता को स्वयं ही हटा करके उनकी कुर्सी पे काबिज हो गए जी। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि परिवारवाद या जातिवाद का राजनीति में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, व्यवस्था में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। दरअसल इन्होंने कुछ किया नहीं, इसलिए इनको लगता है कि यही प्रशासन है, हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। बिल्कुल आज वही कार्य कर रहा है। आज उनको आश्चर्य होता है कि ये लोग प्रदेश के अंदर बिजली कैसे दे दे रहे हैं, क्योंकि इनके समय में 5 जिलों में बिजली होती थी, हमारे समय में 75 जिलों में बिजली है। इनके समय में CAG ने तमाम टिप्पणी की है PWD विभाग की कार्य पद्धति पर जी। हमारे समय में सड़क मुक्ति का एक अभियान चलाया जा रहा है आज भी। 121,000 किलोमीटर की सड़कें थी जो गड्ढा युक्त थी जब हम सत्ता में आए जी, और आज हम 85,000 किलोमीटर से ऊपर की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर चुके हैं। क्या ये उपलब्धि नहीं? आपने बिजली की बात की तो मुझे एक अखिलेश यादव जी का बयान याद आ गया जो चुनाव के समय उन्होंने दिया था कि आप अगर बिजली के तार पकड़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि बिजली आती है कि नहीं। आप क्या जवाब देंगे? ये तो जनता ही जवाब दे चुकी कि बिजली का तार अब किसको पकड़ना चाहिए जी। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव अपने बयान को स्वयं समझेंगे जी। तो उनको स्वयं अपने बयान पर आज स्वयं उनको माफ़ी मांगनी चाहिए जनता से। आपके विरोधी एक और आरोप आपकी सरकार पर कई बार लगाते हैं और वो है कि आपकी सरकार हिंदुत्व से बहुत प्रेरित है, प्रभावित है और उसी दिशा में कार्यरत है। क्या ये आरोप अपने आप में बुनियादी तौर पर सही है? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि हिंदुत्व का मतलब किस अर्थ में ले रहे हैं जी।
और हिंदुत्व तो भारत की राष्ट्रीयता का आधार है, हम उसको नकारात्मक दृष्टिकोण से क्यों लेते हैं? हिंदुत्व और राष्ट्रवाद एक दूसरे के पर्याय हैं, और मुझे लगता है कि कोई भी सरकार, किसी भी देश की सरकार हो, उन्हें अपने राष्ट्रहितों को संरक्षण करना चाहिए। ये उनकी न केवल नैतिक जिम्मेदारी है बल्कि उनकी प्रतिबद्धता भी होनी चाहिए। राज्य सरकार के रूप में प्रदेश के 22 करोड़ जनता की सुरक्षा, ये मेरा नैतिक दायित्व है। उनकी आस्था का सम्मान करना भी मेरा दायित्व है, लेकिन मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं किसी वर्ग विशेष का तुष्टिकरण करके और बहुसंख्यक समाज के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करूँ। कोई अधिकार मुझे नहीं है, किसी सरकार को भी नहीं होना चाहिए। और इसलिए हम लोगों ने प्रदेश में इस प्रकार के कदम भी उठाए हैं। हम लोगों ने कहा, यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि बहुत सारे प्रस्ताव मेरे सामने आए थे, जैसे जन्माष्टमी पे जी। प्रदेश के अंदर थानों में और पुलिस लाइन में जन्माष्टमी के पर्व नहीं मनाए जाएंगे। 2007 में रोक लगा दी थी जी। 2007 से 10 साल क्यों लगे उसको हटाने में? बहुजन समाजवादी पार्टी ने अगर रोक लगाई थी तो समाजवादी पार्टी ने उस रोक को क्यों नहीं हटाया? हम लोग आए, हम लोगों ने कहा कि जन्माष्टमी हर जगह मनाई जानी चाहिए। हाँ, नोट कर लेना कि भाई डांस नहीं होना चाहिए, अश्लील गाने नहीं होने चाहिए, आप भजन करिए, परंपरागत तरीके से मनाइए। मनाई गई, कहीं कोई घटना नहीं हुई। कावड़ यात्रा जी, बात आई कि साहब हम माइक नहीं बजाने देंगे, शंख नहीं बजाने देंगे, डमरू नहीं बजाने देंगे और इस प्रकार का प्रतिबंध लगाएंगे। हमने कहा भी देखो, ये उनकी आस्था है। सुप्रीम कोर्ट ने माइक की आवाज़ को तय किया है कि कितना डिसमिल में आप उसको बजा सकते हैं, आप उसको उस रूप में लीजिए। आप जब कहेंगे कि ये नहीं करने देंगे तो अगले व्यक्ति उसको नकारात्मक दृष्टि से लेंगे और फिर ये टकराहट का कारण बनेगा। आप ये कहिए, आप बजाइए लेकिन इस दायरे में बजाइए। दूसरा, वह भगवान शिव की यात्रा है, कावड़ यात्रा, उसको भजन कीर्तन के साथ उनको जाने दो, आवाज को सीमित करते हुए उनको चलने दो। मैं विश्वास कर सकता हूं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यही नहीं, निगरानी करने के साथ साथ निगरानी करने के लिए हेलीकॉप्टर लगाइए, वह हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा भी करें उन पे, दोनों काम हो जाएंगे। वे लोग भी खुश हो जाएंगे कि हम पे पुष्प वर्षा हो रही है, लेकिन उसकी आड़ में आप देख पाएंगे कि कावड़ यात्रियों की भीड़ जा रही है। तो ऐसा तो नहीं कि कोई शरारती तत्व कहीं अगल बगल से कोई इस प्रकार की घटना को अंजाम देने की फिराक में हो जी। गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच 4 करोड़ कावड़ यात्री थे, एक तिनका नहीं हिला। बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से पर्व और त्यौहार कैसे मनाए जाते हैं, एक कावड़ यात्रा उसका एक उदाहरण है। लेकिन अगर आप माइक बंद करते, डमरू बंद कर देते, शंख बजाना बंद कर देते, उनको जो है कीर्तन उनका बंद करवा देते, उपद्रव जगह जगह हो जाते, अराजकता फैलती। तो प्रशासन को भी इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि हमें आस्था का सम्मान करते हुए उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ने की व्यवस्था देनी चाहिए। योगी जी, ये मशवरा आप ममता जी को क्यों नहीं देते? क्योंकि ममता बनर्जी ने दुर्गा विसर्जन को लेकर जिस तरह से आदेश पारित किया, जिसको लेकर कोलकाता हाईकोर्ट को उस पर अपनी टिप्पणी करनी पड़ी। देखिए, हाईकोर्ट का ये आदेश का, जो कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश किया पश्चिम बंगाल सरकार को, मैं उसका स्वागत करता हूँ। और आप आश्चर्य करेंगे कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने हम लोगों से वो मांगा था कि आप लोगों ने किस तरीके से व्यवस्था की है। हम लोगों ने बताया, हमने कहा भी हमने तो कहा है प्रत्येक थाने को, और प्रत्येक, मैंने स्वयं VC की और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रत्येक जिलाधिकारी और प्रत्येक पुलिस अधीक्षक से हमने इस बात को कहा कि आप लोग जगह जगह शांति समिति की बैठक करिए, दायरे में रह करके लोग अपने अपनी आस्था का प्रदर्शन करें। आप दुर्गा पूजा भी करिए, आप ताज़िया भी रखिए, लेकिन वह तय होना चाहिए कि आपकी सीमाएं कितनी हैं। आस्था का प्रदर्शन होता हुआ दिखना चाहिए। आस्था के नाम पर उच्छृंखलता को हम बढ़ावा नहीं देने देंगे। उच्छृंखलता को रोकना हमारा काम है, लेकिन आस्था को संरक्षण देना भी हमारा काम है योगी जी। और इसीलिए हम लोगों ने इस चीज़ को
प्रदेश के अंदर लागू किया और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से सभी कार्यक्रम चल रहे हैं और बात देखिए संवाद से बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है। प्रदेश के अंदर संवाद स्थापित करवाने के लिए मैंने कहा अधिकतर जिले में संवाद स्थापित हुआ, उस संवाद की स्थिति हम देख रहे हैं, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से कार्यक्रम चल रहे हैं। वेस्ट बंगाल में वोट बैंक की राजनीति तृणमूल कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, वहाँ की मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही है और उन्होंने व्यापक हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करना वहाँ प्रारंभ किया और मूर्ति विसर्जन को उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया, तो उससे भावनाएं भड़की, लोग कोर्ट गए, न्यायालय को उसमें आदेश करना पड़ा। मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक सरकार के लिए संवाद आवश्यक है और इस संवाद से संघर्ष अपने आप समाप्त होगा, लेकिन आप संवाद बाधित करेंगे तो संघर्ष बढ़ेगा और इस संघर्ष को बढ़ावा देने का कार्य जो भी करेगा उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। योगी जी, आपकी सरकार को इस बात की बधाई देनी चाहिए कि पिछले 6 महीने में जिस राज्य में हर साल 400 से ज़्यादा दंगे हुआ करते थे, अभी तक एक भी दंगे दर्ज नहीं हुए। लेकिन लोग आपत्ति इस बात को उठाते हैं कि 15 अगस्त को मदरसों में रिकॉर्डिंग की बात आपकी सरकार ने पारित की, उसके साथ साथ GPS ट्रैकिंग की बात हुई। मदरसों को लेकर, आपकी सरकार के रवैये को लेकर अलग अलग तबकों में अलग अलग बातें होती हैं, बड़ी बहस भी होती है। देखिए, ये बहस का विषय नहीं है। एक, आप सरकारी अनुदान पाएंगे, राष्ट्रध्वज क्यों नहीं लगाएंगे, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का गायन क्यों नहीं करेंगे? मुझे लगता है कि ये बाध्यकारी नहीं, लेकिन ये स्वतः स्फूर्त भाव के साथ उस राष्ट्र के प्रति, उस राष्ट्र के प्रतीकों के प्रति हमारे अंदर सम्मान का भाव होना चाहिए। और मुझे लगता है बहुत सारे मदरसों ने उसको हाथों हाथ लिया, उन्होंने उसको स्वीकार भी किया। जब अल्पसंख्यक मंत्रालय ने इस प्रकार का निर्देश जारी किया, उसके पीछे की मंशा ये नहीं थी कि हम उसको बाध्यकारी बनाएं, उसके पीछे की मंशा ये थी कि जो लोग मदरसों पे बार बार टिप्पणी करते हैं जी, हम इसके माध्यम से उन मदरसों को देखें कि कौन मदरसा किस प्रकार की भूमिका के साथ आगे बढ़ सकता है और फिर उनकी सूची बना करके उनको सम्मानित करने की हम तैयारी कर सकें जी, उसको हम आगे बढ़ा सकें, उनको प्रोत्साहन दे सके। देखिए, कहीं अच्छा काम, बहुत सारे मदरसों ने अच्छा काम किया है, ऐसा नहीं ना किया हो, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं हम उनको प्रोत्साहित करें और उस प्रोत्साहन के क्रम में फिर ये चीज़ें आगे बढ़ने की समय हुआ। और इस मुझे प्रसन्नता है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत सारे मदरसों ने अपने यहाँ तिरंगा भी पहनाया जी, उनने राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और अन्य कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। तमाम देश के जो अपने स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा थे, उन सभी महापुरुषों का सम्मान के साथ उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी और अच्छे रचनात्मक कार्यक्रमों को उन्होंने आगे बढ़ाया। इसमें कोई शक नहीं गुरु जी कि अगर राष्ट्रगान कोई ना गाए तो इससे बड़ा अपमान देश का नहीं हो सकता। न्यूज़ नेशन ने यह खबर खुद ही दिखाई थी, उस दिन 15 तारीख को ही हमने दिखाई थी, कई मदरसों में राष्ट्रगान की जगह सारे जहां से अच्छा बजाया गया। जाहिर सी बात है, आपकी सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जो लोग राष्ट्रगान को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करते हैं, जो वंदे मातरम को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करते हैं, उन्हें किस नज़रिए से देखें, क्योंकि है तो वो भारतीय नागरिक, लेकिन भारतीयता को लेकर सवाल उठाते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ये नैतिकता का प्रश्न ज़्यादा है और जो लोग अपने स्वयं की नागरिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहते हैं, उन लोगों के द्वारा इस प्रकार के कृत्य किए जाते हैं। सामान्यतः राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत या राष्ट्र के प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए जी, और राष्ट्र के प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव मुझे लगता है कि हमें विश्वसनीय बनाता, हमारी विश्वसनीयता को मजबूती करता है और किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए इस कार्य को करने के लिए। और हमें कहते हैं कि लोकतंत्र में हम जबरन नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है कि स्वतः स्फूर्त भाव के साथ इस प्रकार की भावनाएं पैदा होती हुई दिखनी चाहिए। आपके एक बयान पर भी काफ़ी हलचल मची थी, जब आपने एक सभा में ये कहा कि अगर हमें अपनी संस्कृति का परिचायक देना है तो हम ताजमहल को, क्योंकि हमारे पास गीता है। मैं एग्जैक्ट वर्ड आपके नहीं रख रहा, लेकिन आपका भाव कुछ इस तरह का था। और उसे लेकर भी कहा गया कि भाई ताजमहल तो हमारी धरोहर है, आप उसे अलग करके गीता की बात कर रहे हैं। आपका आशय क्या था और उसे किस तरीके से प्रस्तुत किया गया? ताजमहल एक स्मारक हो सकता है,
ताजमहल एक प्रतीक हो सकता है, लेकिन ताजमहल आस्था का प्रतीक नहीं है जी। एक पर्यटन स्थल हो सकता है, एक स्मारक हो सकता है, लेकिन वह भारतीयता का प्रतिनिधित्व करता है, इसको नहीं माना जाना चाहिए। भारत एक बहुत बड़ा देश है, भारत का प्रतिनिधित्व मुझे लगता है कि पर्यटन की दृष्टि से आप ताजमहल को आगे रख सकते हैं जी। हम लोग भी इसको पूरी तरह वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसको हर प्रकार से प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन अगर भारतीयता की बात आएगी, भारत की पहचान की बात आएगी, तो हम उसको रामायण और गीता तक लेके जाएंगे। ये भारत की पहचान है, भारत के वास्तविक दर्शन को देश और दुनिया के सामने रख सकता है, तो रामायण और गीता उसके सबसे अच्छे माध्यम हो सकते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि आज केंद्र सरकार ने रामायण सर्किट की बात की, कृष्णा सर्किट की बात की, बौद्ध सर्किट की बात की। दुनिया के अंदर हमारी पहचान किस रूप में है, दुनिया हमें किस रूप में देख रही है, इसको देखिए। दुनिया राम के नाम पर हमें पहचानती है, कृष्ण के नाम पर पहचानती है, बुद्ध के नाम पर पहचानती है, दुनिया हमें साझा के नाम पर नहीं पहचानती। योगी जी, एक और बयान आपके शिक्षा मंत्री का था, जिसे लेकर फिर थोड़ी सी बवाल मचाने की कोशिश की गई कि मुगलिया इतिहास हमारा इतिहास नहीं है। क्या हम इतिहास को भी एक अलग नज़रिए से, क्या हम मानते हैं कि शायद मुग़ल हमारे हिस्सा नहीं थे, वो बाहर से आए लोग थे? देखिए, इतिहास केवल पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं, इतिहास वर्तमान पीढ़ी को अपने पुरातन गौरव का आभास कराती है। क्या किसी भी कौम के लिए, किसी भी समाज के लिए आक्रांताओं को गौरवान्वित करके प्रस्तुत करना है, हम उस पीढ़ी को कहाँ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं? स्वाभाविक रूप से जो लोग अकबर को महान बोल रहे हैं जी, और महाराणा प्रताप को तुच्छ करने का प्रयास कर रहे हैं, हम उससे सहमत नहीं। हमारे लिए महाराणा प्रताप महान है, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज महान हैं, हमारे लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज महान हैं, हमारे लिए रानी लक्ष्मीबाई महान हैं, हमारे लिए बाबर, औरंगजेब या अकबर, ये लोग महान नहीं हो सकते। वो आक्रांता हैं, आक्रांता है। उन्होंने इस देश की संस्कृति को नष्ट किया, भारत को रौंदने के लिए वे सारे दुष्चक्र किए जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए वे हमारे लिए महान नहीं हो सकते हैं। उनके इतिहास को भारत के महापुरुषों से ऊपर रखना, उनको गौरवशाली स्थान देना जी, ये अपमान है भारत का, भारतीयता का। इसलिए उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि भारत के वास्तविक इतिहास को पढ़ाए जाने की आवश्यकता है जी। हमें याद रखना होगा कि तमाम षड्यंत्रों के बावजूद और तमाम प्रयासों के बावजूद मुगल कभी भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर राज नहीं कर पाए। ब्रिटिशर पूरे भारत के अंदर, जो आज का पूरा भारत है, इसके अंदर कभी पूरा उनका राज नहीं हो पाया। तो महान वे हैं या महान भारत के वे महापुरुष हैं, चाहे वो राम हों, चाहे कृष्ण हों, चाहे अन्य जितने भी भारत के हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, या इस देश के अंदर इन विदेशी आक्रांताओं से लड़ते हुए जिन्होंने वीरगति को प्राप्त की थी, वे सब महापुरुष हमारे लिए महान हैं, विदेशी आक्रांता महान नहीं हो सकता। आरएसएस प्रमुख के एक और बयान पर काफ़ी चर्चा भी हुई थी, आप उसको बखूबी जानते भी होंगे, कि मूलतः हर भारतीय हिंदू है, और उसे लेकर काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी आप विवेचना भी आप जानते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि चाहे आप किसी भी धर्म के अनुयायी हों, लेकिन हैं तो आप हिंदू? देखिए, हिंदू शब्द पर व्यापक बहस हुई है और होनी भी चाहिए। हिंदू कोई रिलीजन नहीं है, हिंदू कोई पंथ, मत, संप्रदाय नहीं है, कोई उपासना विधि भी नहीं है। हिंदू शब्द है एक सांस्कृतिक संबोधन है,
इस भूभाग में आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्य भू सेवा सवे हिंदू रीति में, यानी सिंधु नदी से लेकर के समुद्र पर्यंत तक का जो विस्तृत भूभाग है, इस भूभाग में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो भारत को अपनी मातृभूमि के रूप में, अपनी पितृभूमि के रूप में, अपने पुण्य भूमि के रूप में मानता है, वे सब हिंदू हैं जी। अब आश्चर्य करेंगे, जब भारत का कोई मुसलमान हज करने के लिए जाता है, भारत का ही नहीं पाकिस्तान का भी, यानी जो बृहत्तर भारत था वहाँ से जुड़ा हुआ, भारत का हो, पाकिस्तान का हो, अफगानिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, नेपाल का हो, भूटान का हो, म्यांमार का हो, ये जितने भी मुसलमान हैं ये जब बाहर जाते हैं हज करने के लिए जाते हैं तो इनकी पहचान वहाँ पर हिंदू के नाम पर होती है, भारतीय के नाम पर नहीं, इंडियन के नाम पर नहीं, पाकिस्तानी के नाम पर नहीं, बांग्लादेशी के नाम पर नहीं, हिंदू के नाम पर इनका संबोधन वहाँ होता है। दूसरा, आप कहीं चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, यूरोप में चले जाइए, पाक शब्द वहाँ गाली का नाम होता, गाली यानी किसी को गाली देनी हो तो उसको पाकी कह दो जी, ठीक है ना जी। यानी इन 70 वर्षों में पाकिस्तान के हुक्मरानों ने इतना पाप कर दिया कि आज यह शब्द गाली के रूप में उपयोग किया जा रहा है यूरोप में। पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ कोई भी नागरिक होता है वो दुनिया में कहीं जाता है तो अपने को बी ए इंडियन अपने को बोलता है, एक भारतीय के रूप में ही अपने को प्रस्तुत करता है। तो ये दोनों दोनों नहीं चलेगा कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू वाली की स्थिति नहीं चलेगी, बंद होनी चाहिए। आप हज करने जा रहे हैं तो हिंदू नाम से संबोधित हो रहे हैं, और अगर यह शब्द भारत के अंदर किसी सांस्कृतिक संगठन के द्वारा ये बात कही जाती है, आपको बुरा लगता है, आप इसको बहस का मुद्दा बनाते हैं, ये नहीं चलेगा। योगी जी, बार बार ये कोशिश की जाती है एक समस्या प्रस्तुत करने की कि आपकी सरकार के तहत और या फिर जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व आप करते हैं, अल्पसंख्यक और ख़ास करके मुसलमान बहुत सुरक्षित नहीं है, क्या ऐसा भाव आपको आज तक कभी लगा? देखिए, किसी का मुंह बंद नहीं किया जा सकता है, हमारे लोकतंत्र ने, हमारे संविधान ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको दी है, हर व्यक्ति बोल सकता है, हर व्यक्ति अपने कार्यों को कर सकता है, उसकी आस्था का भी सम्मान किया जा रहा है, सबके बावजूद भी वो करें। अगर मैं सुरक्षा की गारंटी दे रहा हूँ सबको, हमारी सरकार दे रही है और 22 करोड़ लोगों को सुरक्षा की बात कर रही है, तब भी कोई आरोप लगाता है तो मुझे लगता है कि भाई ये उसकी मानसिकता हो सकती है। मेरी मानसिकता ये है कि सुरक्षा सबको, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं, हम सबकी सुरक्षा की गारंटी लेंगे। हमने क्या, जहाँ कड़े कदम उठाने की आवश्यकता पड़ी कड़े कदम उठाए गए हैं, उठाएंगे भी। लेकिन मुझे एक बात बताएं, पिछली सरकार के समय 450 से ऊपर दंगे हुए जी, उस दंगों में अगर हिंदू मारा गया तो मुसलमान भी तो कौन सुरक्षित था? बिल्कुल, वो भी तो मारा गया जी। हिंदू की संपत्ति नष्ट हुई तो उनकी भी तो संपत्ति नष्ट हुई है, क्या तब ठीक था? आज तो हम सबकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, सबकी आस्था की बात कर रहे हैं। हमने कहीं नहीं कहा कि शिव की कावड़ यात्रा निकालिए, जन्माष्टमी मनाइए, लेकिन ईद और बकरीद मत मनाइए, ये तो कभी नहीं कहा। हमने कहा जैसे हिंदू मना रहा आप भी मनाइए, लेकिन भाई नियम के दायरे में जी। हमने ये कहा कि अगर आप मूर्ति रखेंगे तो भाई मूर्ति उतनी रखना जिससे किसी का छज्जा और किसी की कोई पेड़ काटने की नौबत ना आए। तो हमने ताज़िया वालों को भी कहा कि भाई ये नहीं होना चाहिए कि आप ताज़िया की साइज़ हर साल बढ़ाते जाएँ और पेड़ काटते जाएँ और किसी का छज्जा तोड़ते जाएँ, ये नहीं चलेगा, आप उसकी साइज़ को कम कर दीजिए। किसी का छज्जा बढ़ नहीं जाता है, उस बेचारे ने किसी प्रकार से गरीबी में अपने घर को बनाया होगा, झोपड़ी को बनाया होगा, अपना झोपड़ा बनाया होगा, अपना जो है छज्जा बनाया होगा, और वर्षों के बने हुए छज्जे को आपकी ताज़िया की साइज़ बढ़ जाएगी तो आप तोड़ देंगे उसको? ये नहीं चलेगा। और ये सबके लिए बराबर लागू हुआ है, मूर्ति के लिए लागू हुआ तो ताज़िया के लिए भी लागू होगा। ये कैसे हो सकता है कि मूर्ति वालों को कहेंगे कि आप मूर्ति छोटी करिए और ताज़िया वालों को ताज़िया बढ़ाने की छूट दे दें, तब किसी गरीब का छज्जा तोड़ें, किसी गरीब की झोपड़ी उजाड़ दें? योगी जी, आपकी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया था सत्ता संभालने के साथ ही, आपने मुस्लिम महिलाओं को एक आश्वासन दिया था कि एक साथ 3 बार तलाक बोलकर उनकी ज़िंदगी तबाह करने वाली परिपाटी को आप रोक लगाने की पूरी कोशिश करेंगे, और आपकी सरकार ने इस पर काम भी किया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया, 9 जज का बेंच है। अब उसके बाद भी कई ऐसे संगठन हैं, जहाँ तक कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी है, जो कहता है कि नहीं, हमारे शरीयत से ऊपर कुछ नहीं है।
देखिए देश या देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। और हमारी सरकार संविधान को सर्वोच्च सम्मान देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उसका सम्मान कर रही है, उसको लागू कर रही है। और मैं केवल इसको मुस्लिम महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, आधी आबादी को न्याय मिला है जी। ये केवल एक भ्रष्ट मुस्लिम पति के लिए ये आदेश नहीं है, एक भ्रष्ट हिंदू पति के लिए भी है। और बराबर हम इसको लागू करवाएंगे और इसका क्रियान्वयन भी करेंगे। योगी जी, आपकी सरकार की जहां आलोचना बहुत हुई, वहीं आपने सारे सवालों का जवाब भी दिया, लेकिन कुछ व्यक्तिगत सवाल अब आपसे पूछना चाहता हूं। हम लोग एक ऐसे मौके पर बात कर रहे हैं जहां नवरात्र चल रहे हैं, और ऐसे में आपका आमतौर पर कार्यकाल क्या रहता है, किस तरह से आप ये वक्त व्यतीत कर? देखिए, मेरी अमूमन जो है मेरी जो दिनचर्या प्रातः 3 बजे से प्रारंभ हो जाती है, और प्रातः 3 बजे से चल करके देर रात्रि तक चलता है। मुझे मेरी पार्टी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का एक दायित्व भी दिया है, उसका निर्वहन करने के साथ साथ मुझे इधर नवरात्रि में, यद्यपि मैं प्रयास ये करता था कि नवरात्रि में मैं यहाँ पर ही रहूँ, खासतौर से शारदीय नवरात्र में, यद्यपि दोनों नवरात्रों में मैं अनुष्ठान पर रहता हूँ जी, लेकिन शारदीय नवरात्र में विशेष अनुष्ठान यहाँ पर मेरा चलता है, तो उस अनुष्ठान में मैं रहूँ। प्रतिपदा के दिन मुझे आने का अवसर मिला था, बाद में मुझे कार्यक्रम में प्रदेश के अंदर रहना पड़ा था, लेकिन मैं सप्तमी के दिन यहाँ आया हूँ और विजयदशमी तक रहूँगा। इस दौरान भाई जो हम सब की शक्ति के आधार है वह जगत जननी माँ भगवती दुर्गा, उनका अनुष्ठान के कार्यक्रम में लगा हूँ, अनुष्ठान कर रहा हूँ, और एक ही प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रदेश में प्रत्येक नागरिक की खुशहाली के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी समृद्धि के लिए मैं कुछ योगदान हम भी दे सकें। बतौर सन्यासी आपने अपने जीवन का एक बड़ा चैप्टर एक तरह से व्यतीत किया, आज आप एक प्रशासक हैं, एक सन्यासी और एक प्रशासक, इन दो किरदार को एक साथ निभा पाना कितना मुश्किल या कितना आसान है आपके लिए? देखिए, एक वास्तव में एक योगी और एक सन्यासी ही एक अच्छा प्रशासक हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर हमारे लिए कोई राग द्वेष नहीं, कोई अपना पराया नहीं, सबके साथ एक समान दृष्टि से। जब आप मुख्यमंत्री बने तो एक तरह से भाव ये निकला कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, दो ऐसे लोग जो कि कर्मयोगी के तौर पर ज़्यादा सामने दिखाई दिए, आपको ये तुलना कैसी लगी? देखिए, प्रधानमंत्री जी के पास शासन का एक लंबा अनुभव है जी। गुजरात जैसे प्रदेश को देश के अंदर एक सबसे विकसित प्रदेश के रूप में स्थापित करना और एक समृद्ध और खुशहाल प्रदेश के रूप में प्रस्तुत करना है, और आज उस प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए पूरे देश को जिस दिशा में प्रधानमंत्री जी ले जा रहे हैं, आज भारत के प्रति एक विश्वास बढ़ा है, भारत के नागरिकों में भी और दुनिया में भी। आज भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी कहीं जाते हैं तो जो सम्मान उन्हें गुजरात में मिलता है, जो सम्मान उन्हें उत्तर प्रदेश के अंदर मिलता है, जो सम्मान उन्हें महाराष्ट्र में मिलता है, जो सम्मान तमिलनाडु में मिलता है, जो नागालैंड में मिलता है, वही सम्मान उनको नेपाल में, काठमांडू में भी मिलता है, वही सम्मान उन्हें भूटान में भी मिलता है, और वही सम्मान उन्हें वाशिंगटन में भी मिलता है, वही सम्मान उनको जापान में भी मिलता है, म्यांमार में भी मिलता है। ये प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता और उनके द्वारा जो एक विकास का बिना भेदभाव का दृष्टिकोण है उसको लेकर के जिस दिशा में उन्होंने कदम बढ़ाया है, उसको न केवल देश ने, दुनिया ने उसको, दुनिया के अंदर उसकी स्वीकृति मिली है, उसको माना है, उसको सम्मान दिया है, और उस दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ किया। जितनी लोक कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ हुई, आज हम किसान और युवा केंद्रित राजनीति को यूपी का मेन एजेंडे के में शामिल करने में सफल हो रहे हैं, तो उसकी प्रेरणा प्रधानमंत्री जी की है।
क्योंकि सत्ता संभालते ही प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी, और वो बात कही थी, पहले की सरकारें क्या बोलती थी कि हमारी सरकार किसके लिए, किसी एक वर्ग विशेष के लिए समर्पित होंगी। उन्होंने कहा नहीं, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही कि मेरी सरकार इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के किसानों के लिए, इस देश के युवाओं के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए समर्पित होकर के कार्य करेगी। एक आखिरी सवाल योगी जी, ये कौन सी शक्ति है आपके पास या फिर मोदी जी के पास, नवरात्र के समय आप लोग बिना कुछ खाए पिए पूरे उपवास के साथ न सिर्फ काम करते रहते हैं बल्कि इतना काम करते हैं जितना शायद आम दिनों में उतना नहीं करते होंगे, कैसे कर लेते हैं आम लोग इसको लेकर बड़े? देखिए ऐसा नहीं, ये तो मन की शक्ति है, व्यक्ति प्रयास करे कोई कुछ भी कठिन नहीं, और ये चीज़ें प्रयास करने से सब कुछ हो जाता है, और जो ये जगत जननी माँ भगवती की कृपा है जी। तो एक आखिरी ये कि इस साल आप माँ दुर्गा से क्या मांग रहे हैं? हम प्रदेश की समृद्धि, सुरक्षा और प्रदेश की जनता की खुशहाली की कामना करने के लिए अनुष्ठान में बैठे हैं। बहुत धन्यवाद न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए, और हमारी शुभकामनाएं आपके लिए, खास करके पिछले 6 महीने में जो आपने प्रगति हासिल की है, ईश्वर आपको और शक्ति दे। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।